तो गाइज खाना खा के जब हम आगे बढ़े तब से इतना भयंकर कोहरा देख सकते हैं, कैमरे में भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो बहुत केयरफुली होकर गाड़ी चलाना पड़ता है कोहरे में। जो लोग भी अगर ड्राइवर है मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको बता दूं भाई। और महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु आज हम लोग चलने वाले हैं गाड़ी लोड करने। अभी मैं घर पर हूँ, पता है आपको मेरी गाड़ी गई थी कल जो है लोडिंग पे, मेरे ड्राइवर लेके गए थे। मतलब अगले वाले वीडियो में आपने देखा था जब हम आए थे पंक्चर बनवाए थे, फिर हमने अपने ड्राइवर को दे दिया था तब वो लेके गए थे लोडिंग पे। तो हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, जाएंगे लोडिंग पॉइंट पे। तो जाऊँगा मैं बाइक से, ये रही मेरी बाइक। तो अभी बाइक से चलेंगे हम लोग लोडिंग पॉइंट पे, छोटा भाई हमको छोड़ के आएगा और हम वहाँ से गाड़ी लेके फिर जाएंगे लोडिंग पॉइंट पे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं आप सभी से लोडिंग पॉइंट पे। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास। ये रही हमारी गाड़ी भाई। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी रास्ते में, मतलब बाइक से आने में बहुत ही ज़्यादा। और ये रहा हमारा लोडिंग पॉइंट, आपने पहले भी वीडियो में देखा ही था, ये है अपना लोडिंग पॉइंट। हम यहीं आते हैं लोड करने, ज़्यादातर पहले नहीं आते थे, पहले इतनी सेटिंग नहीं थी जब नए नए थे, तो अब हो गया है बहुत जगह, तो यहीं आते हैं। ये रही हमारी बाइक, देख सकते हैं इसी से हम लोग आए हैं। तो अभी हमारे ड्राइवर कहीं गए हैं पता नहीं है, गाड़ी ऐसे ही लॉक है। तो आते हैं वो अब बाइक से चले जाएंगे घर और हम चलेंगे लोडिंग करने। अभी फ़िलहाल लोडिंग पॉइंट पे हैं, यही गाड़ी अपनी लोड होगी, तो देखते हैं कब तक लोड होती है। गाड़ी के पास पहुंचा ही था, देखा एक छोटा हाथी ख़राब है, ये देख सकते हैं इसने लोड क्या किया है। हरा लकड़ी है, एक लिफ्टस बोलते हैं कहीं कहीं उसको, यूनि लिफ्टस भी बहुत सी चीज़ें बोलते हैं उसका। ये लकड़ी है और बहुत मतलब कि हरा ही है पूरा, तो बहुत ज़्यादा वजन है। मेरे हिसाब से बहुत वजन होगा, तकरीबन 25 क्विंटल के आसपास वजन होगा। इसने लोड कर लिया है और वो फ़िलहाल मेरे ड्राइवर ने उसको जग दिया था, देख सकते हैं ये जग लगा रहा है। उसके नीचे इसने जो है ना एक सादा जग लगाया हुआ है, प्लेन, जो कि वो कार वार का जग होता है, वो लगा के घुस रहा था। मैं बोला भाई घुस जा रहे हो, मर जाओगे, टूट गया। तो फिर मेरे ड्राइवर ने उसको अपना मेरा वाला जग दिया। अभी देखिए नीचे मेरा जग लगा के तो गाड़ी को उठा रहा है। तो आप ऐसी गलती ना करें, आपके पास जो गाड़ी के साथ मिलता है जग टाटा में और इसमें, उसको लगा के गलती से भी गाड़ी के अंदर ना जाएं, नहीं तो टूटेगा और सीधा आपको कुछ हो सकता है। तो केयरफुल होके जब भी ध्यान दें इन चीज़ों का। तो देख सकते हैं अपना लोडिंग चालू हो गया है अभी फ़िलहाल, तो देखिए यहाँ से लोडिंग करा के फिर निकलेंगे। तो फाइनली अपना गाड़ी हो चुका है लोड और अभी यहाँ से निकल रहे हैं, बज रहे हैं तकरीबन 8, यहाँ से निकलेंगे, चलते हैं आगे, देखते हैं अगर कुछ खाने के लिए मिलेगा तो खाएंगे। खाने के बाद क्योंकि आज अपने पास टाइम भी है और नींद नहीं लगेगा, तो चलिए चलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं आप सभी से आगे रास्ते में। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं, आप देख रहे हैं कहाँ पे, कैंट स्टेशन, ये अपना बनारस स्टेशन है। और जो लोग पूछते हैं आप कहाँ से हैं, तो आपको बता दूँ मैं बनारस से हूँ और हमारे चैनल का नाम भी है बनारसी लड़का। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं और आप सभी से बातें करेंगे, क्योंकि पीछे म्यूज़िक बज रहा है, शायद कॉपीराइट का चांस है कि कॉपीराइट लग जाएगा। तो ये रहा स्टेशन, एक बार फिर देख लें, वो LED TV लगी हुई है,
जिसमें आपको बाबा काशी विश्वनाथ की सीधा दर्शन लाइव दर्शन यहाँ पे होता है। तो अभी सीसीटीवी बंद है, तो चलिए आप सभी से आगे मिलते हैं। देख सकते हैं हम लोग बड़े स्टेशन से आगे, थोड़ा शीशा साफ नहीं है तो डस्ट आ रहा है, और ये तिरंगा कलर से लगाई हुई LED लाइटें हैं। तो चलिए मिलते हैं अब कहीं और यहाँ से आगे हाईवे पे, या कहीं पे भी चाय पीते या खाना खाते कुछ, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं आगे, मतलब आगे क्या कुछ मिला नहीं हमको ढंग का। व्हाइट सॉस पास्ता खाने का प्लान बना रहे थे तो वहाँ लगी थी बारात रेस्टोरेंट के पास, और हम गाड़ी लगा नहीं सकते थे। सो चलिए आगे मिलते हैं कहीं और, किसी और रेस्टोरेंट में। वैसे मैं बहुत सा यहीं पे रहता ही हूँ दिन भर, तो पता रहता है कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है। तो चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में, फिर वहाँ से कुछ खाएंगे, फिर निकलेंगे, तो मिलेंगे आप सभी से आगे। तो गाइज हम लोग बनारस मेन, मतलब बनारस सिटी से निकलने ही वाले हैं। यहाँ से रिंग रोड थोड़ा आगे पे है, तो यहाँ पे बारात लगी हुई है और सब बीच रोड में नाच रहे हैं। भाई जिसकी भी शादी है ना, नचा लो सबको और हमें परेशान कर लो ट्रैफिक की वजह से। जो शादी करके आएगी ना, ज़िंदगी भर नचाएगी और ज़िंदगी भर परेशान करेगी। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये खुदे पता चल जाएगा। तो देखिए कब तक जाम में रहते हैं लोग, बीच रोड में ही नाच रहे हैं, इन लोग हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये दिखा रहा हूँ जूम करके, ये उधर उधर नाच रहे हैं सब। फाइनली हम लोग रुके हैं खाना खाने के लिए। ये है रोटी, ये है दाल और ये है अंडा भुजिया। तो अभी खाना खाते हैं और रुके कहाँ है, एक जगह है सैनिक ढाबा, जो कि जब आप गोरखपुर जाएंगे तो बीच में पड़ता है, तो मैं यहीं से कट जाता हूँ, कट के मैं यहीं से जाता हूँ। उस दिन आगे से चला गया था। तो खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु खा लिए हम लोग खाना और अभी निकल चुके हैं, बस थोड़ा ही आगे आए हैं। हल्का हल्का कोहरा मिलने लगा है, और उस दिन जिस रास्ते से गोरखपुर गए थे आज उस रास्ते से नहीं जा रहे हैं। हाँ, वीडियो में आपको आगे बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम फिर से जा रहे हैं गोरखपुर, और ये रास्ता अलग है उस रास्ते से। आज हम मतलब आजमगढ़ वाले रास्ते से नहीं जा रहे हैं, ये रास्ता अलग रास्ते जाता है, बताएँगे कहाँ कहाँ। अब यही सैनिक ढाबा है, बनारस से आएंगे सैनिक ढाबा, सैनिक ढाबा से मारेंगे लेफ्ट, लेफ्ट मार के चले जाएंगे हम लोग कप्तानगंज, कप्तानगंज से फिर जहांगीरगंज, जहांगीरगंज से धनघटा पुल, जिसको बिढ़हर पुल भी बोला जाता है। हाँ, बिढ़हर पुल, बिढ़हर पुल के बाद धनघटा, धनघटा से राइट मारेंगे और सीधा 60 किलोमीटर गोरखपुर मंडी, महेवा मंडी, गोरखपुर मंडी को बोला जाता है। चलिए अब यहाँ से सीधा हमारे हिसाब से हम आपको मंडी में ही मिलेंगे। तो मिलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ मिलते हैं, आप सभी से बने रहिए। तो गाइज खाना खा के जब हम आगे बढ़े, तब से इतना भयंकर कोहरा देख सकते हैं, कैमरे में भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो बहुत केयरफुली होकर गाड़ी चलाना पड़ता है कोहरे में। जो लोग भी अगर ड्राइवर है, मेरी वीडियो देखते हैं, तो आपको बता दूँ भाई, कोहरे में बहुत केयरफुल होकर चले, क्योंकि कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है, बहुत कम कैमरे में दिख रहा होगा, साइड साइड दिख रहा है, बस वही साइड देख के चल रहा हूँ। समझिए कि बहुत डिफ़िकल्ट है कोहरे में गाड़ी चलाना। गाड़ी की स्पीड देख सकते हैं आप सब कितना है, बस इससे ज़्यादा स्पीड कोहरे में नहीं चल सकते। देखते हैं कहाँ तक कोहरा होता है, क्योंकि अभी लगभग लगभग हम 30 किलोमीटर आ चुके हैं खाना खा के, और ऐसे ही है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, चलिए मिलते हैं आगे, आप सबसे सफ़र में बने रहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। तो गुरु हम लोग गोरखपुर सिटी के अंदर घुस गए, बट फॉग अभी बिल्कुल कम नहीं हुआ, जैसे वहाँ था वैसे ही अभी भी है, देख सकते हैं। थोड़े टाइम में हम लोग मंडी पहुँच जाएंगे, बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में। तो चलिए आगे देखते हैं मंडी में अभी क्या कंडीशन है। इधर तो बहुत भयंकर है, मान लो इधर लाइट की वजह से दिख रहा है कि बाहर भी लाइट लगी हुई है, बट उधर तो एकदम में नहीं दिख रहा था बिल्कुल। कैसे कैसे आए हैं हम, बीच में वाइट पट्टी होती है, वही वाइट पट्टी देख देख के समझिए आए हैं। चलिए मिलते हैं सीधा मंडी में आप सभी से। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंडी में, और अभी मतलब मैं पहुंच चुका था कब का, 3 ही बजे पहुंच गया था, आपको टाइम बताया, 3 का 3:15 बजे के आसपास मंडी में घुस गया था। तो अंदर ही लगा के कोहरे में निकलने का मन नहीं किया, इसलिए वीडियो नहीं बनाया। तो अभी हम लोग मंडी में हैं फ़िलहाल, हमारी गाड़ी खाली हो रही है, सोया भी नहीं, ये लोग जगा दिए, ये लोग नहीं जगाए, हाँ जगा दिया, छोड़िए। तो चलिए अब चल रहे हैं सोने, और फिर अब उठेंगे तब मिलेंगे आप सभी से। तो गुरु अपनी गाड़ी हो चुकी है खाली, और हम हैं अभी मंडी में, देख सकते हैं मंडी, सुबह अभी बहुत भीड़ है, मंडी है गोरखपुर, ये देख सकते हैं।
गल्ला मंडी गोरखपुर अंदर है। और चलिए फिर यहाँ से निकलते हैं, तब आप सभी से बातें करते हैं, क्योंकि अभी बहुत ट्रैफिक भी है, गाड़ी घुमाना, निकलना है, आज बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तकरीबन 10:30 बज गया है, तो 8:30 बजे निकल जाते थे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से आगे। अभी गुरु ये दो लड़के हैं, अभी बियर पी रहा था चलती बाइक पे, और बियर पी मतलब चलती बाइक पे, दोनों बिना हेलमेट के हैं, और ये लोग चल रहे थे, बियर पिए भी हैं, बियर लिए भी हैं अभी भी, और ये लड़कियों को कमेंट पास कर रहे हैं। और देखो ये हरकत, देखो चचा को हाथ लगाया। तो गुरु फाइनली हम लोग निकल चुके हैं गोरखपुर मंडी से, और चल रहे हैं अब घर की तरफ। अब देखेंगे भाड़ा रहेगा तो आज लोड भी करेंगे, क्योंकि शायद भाड़ा रहे, अभी फ़िलहाल तो बात तो हुई है तो बोले हैं कि होना चाहिए, तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं मंडी से, और जो लोग भाड़ा पूछते उनको भाड़ा बता देता हूँ। तो भाड़ा है अपना लगा वही 7,500, जिसमें से 4,000 का डीजल पी जाएगी और 500 खर्चा हो जाएगा मेरा, तो वही जो भी बच जाए। तो ये मैं अगर ड्राइवर चलाता तो उसमें ड्राइवर को भी देना पड़ता। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से आगे, अभी भूख भी लगा है, तो देखते हैं कुछ खाते हैं फिर चलेंगे लोडिंग पॉइंट पे, तो अब मिलेंगे आगे आप सभी से। तो देख सकते हैं हम लोग गोरखपुर से निकल के, मतलब आजमगढ़ सब पार होके अभी पहुंच चुके हैं। लगभग एक जगह है देवगांव, आजमगढ़ में ही पड़ता है, तो अभी यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। और ये है वाराणसी आजमगढ़ हाईवे, जो कि नया वाला बन रहा है, रिंग रोड भी बोल सकते हैं इसको। तो चलिए यहाँ से अब आगे मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु हम लोग, मतलब हम लोग क्यों बोलता हूँ वीडियो में, क्योंकि मुझे हम लोग इसलिए बोलता हूँ, मुझे आदत सी हो गई हम लोग बोलने की, क्योंकि मुझे लगता है सब लोग साथ हैं, क्योंकि वीडियो में सब साथ चलते हैं, तो हमको लगता है सब साथ ही है। तो आप भी वीडियो में ही हैं, क्योंकि वीडियो देख रहे हैं तो आप सफ़र में साथ हैं। तो जाम जो है कि ट्रैफिक लगा हुआ है, ये हम हैं फिलहाल डोभी, एक जगह है जौनपुर में पड़ता है, यहीं पे हैं, आगे रेलवे क्रॉसिंग है, क्या मैटर है। तकरीबन 25 मिनट से मैं यहाँ खड़ा हूँ और कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या ट्रैफिक क्लियर हुआ नहीं हुआ, और रॉन्ग साइड से लोग चले जा रहे हैं, इधर से वो लोग आगे जाके कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं, उधर से गाड़ी आ भी नहीं रही है, आ रही है तो 2-4 आ रही है, उसके बाद बंद हो जा रही है। देखते हैं कब तक हमको ट्रैफिक फेस करना पड़ता है। लोडिंग पे भी जाना है, अभी फ़ोन तो नहीं आया, बट फ़ोन आ जाएगा। चलिए देखते हैं, मिलते हैं आप सभी से आगे। तो गुरु फाइनली हम लोग ट्रैफिक से निकल चुके हैं, अभी बज गए 5:00। ट्रैफिक से निकलने में बहुत, मतलब क्या ही बताऊँ, कैसे निकला हूँ, ट्रैफिक से निकल गए अभी, भूख भी लगा है, आगे देखते हैं अगर कुछ मिलेगा खाने को तो लेंगे, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है। सुबह से हमने सिर्फ छोले और कुलचे खाए और कुछ नहीं खाया। तो बस वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।